हेलो दोस्तों, मैं हूँ अमित त्यागी और सिनेमा मेरा पैशन है। और 1940s का वो दौर था जब फिल्में ब्लैक एंड वाइट हुआ करती थी, जिसे गोल्डन दौर कहा जाता था। फिल्में ब्लैक एंड वाइट होती थी लेकिन जो दौर था बहुत ही गोल्डन था। आई एम सो हैप्पी कि उसी टॉपिक को लेकर एक सीरीज़ आ रही है जिसका नाम है जुबली। और उसमें एक जो कैरेक्टर है ना, उसने मेरे दिल को छू लिया। उस कैरेक्टर का नाम है मदन कुमार। तो आखिर मदन कुमार कौन है और क्या है कहानी और क्या कुछ होता है उस मदन कुमार के पीछे, ये उसका सार है। तो आज इस सीरीज़ की कास्ट मेरे साथ है एंड जिन्होंने बनाया है वो भी मेरे साथ है, मिस्टर मोतवाने, विक्रमादित्य मोतवाने, जिनका यह पूरी रचना है। तो और आपको मैं कास्ट से मिलाता हूँ। तो मदन कुमार के पीछे जो है मिस्टर विनोद यानी अपार शक्ति खुराना, वो हैं इसमें जो ये पूरा मदन कुमार का खेल रचते हैं। लेकिन मदन कुमार का जो चेहरा है वो जमशेद एक हैं और इसको निभा रहे हैं नंदिश, और इन सब के साथ एक मिस्टर जय खन्ना भी हैं। तो ये कहानी क्या होती है, मदन कुमार कौन है, क्या है, उसके लिए आपको जुबली देखना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल हम जानते हैं कि कैसे बनी ये जुबली। तो पहले विक्रम से शुरू करते हैं। तो इट्स बीन माई फेवरेट टॉपिक। 40s का जो मैंने बोला ब्लैक एंड वाइट फिल्में बना करती थी, लेकिन दौर जो था इतना सुनहरा था कि उसकी किरणें आज तक हमारे सिनेमा पर पड़ती हैं। एंड आपने जो बहुत ही अच्छी अच्छी नुएंसेस, जो क्योंकि मैंने सीरीज़ देखी है, जो आपने एक बहुत डिटेल्ड नुएंसेस पकड़ी है कि उस समय में प्लेबैक सिंगिंग कैसे आई, कैसे रील बना करती थी, तो आई एम श्योर लॉट ऑफ रिसर्च, लॉट ऑफ मेहनत हैड गॉन इनटू मेकिंग। तो विक्रम, कितना दिल से, शिद्दत से आपने इस बनाई है जुबली? नहीं, शिद्दत और दिल से, क्योंकि जैसे मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहा था कि ये वो यार 20-25 साल की एक कहानी है। इट्स नॉट अबाउट के तो मी एंड अतुल सबरवाल एंड ऑल्सो शौमिक सेन, यू नो, जिसने मेरे साथ में बैठ के इनिशियली में जो एक क्रिएट किया था, ऑल ऑफ अस हैव अ ग्रेट अफिनिटी टूवर्ड्स द मूवीज इन जनरल। मतलब वो फिल्मों से बहुत प्यार है, खास करके ब्लैक एंड वाइट फिल्मों से तो है ही, क्योंकि जो 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 हमारे सिनेमा के पायनियर्स थे, आई एम सेइंग इवन बिफोर द गोल्डन एरा, बिफोर स्पेशली इन इंडिया, अगर आप देखें तो whether it's Raj Kapoor, whether it's Gurudutt, whether it's any of the other directors at Gurudutt that Navketan gave the breaks to, you know, whether it's Raj Khosla or Chetan Anand or Vijay Anand or Bimal Roy or any of these great ones, you've also got internationally Akira Kurosawa or Hitchcock or, and uske pehle agar dekhne jao to then you're talking about Charlie Chaplin, all the way back to there. There is a magnificent ambition that all these filmmakers, pioneers in the truest sense, ke unka ek ambition tha, unka ek, you know, ek desire to see films on the largest screen possible. To kahin na kahin Jubilee to un sab pe ek tribute hai. Aur mere saath bhi, matlab jo 25 saal pehle ho gaye, ab 26 saal ho gaye, jo Sanjay Bhansali ke saath jo assistant raha hu main, hum dil le chuke Sanam pe, to us zamane mein bhi hum log film pe shoot karte the, film pe edit karte the. To ek hai jo ek love story jo bolte hai na yaar, ke uske of an era that's gone, aajkal sab digital ho gaya hai, but ek analog world ka ek nostalgia to hai, to uske upar hai. To wahi ke wo 20-25 saal ki ek knowledge jo hum log इकट्ठा करते आए हैं, जो फिर मिक्स करेंगे, तो मैंने ये कहानी सुनी है, तूने वो कहानी सुनी है, अरे ऐसे होते थे, वैसे होते थे, गाने ऐसे बनाते थे, तो ऑल दोज नगेट्स हैव कम नॉट सो मच फ्रॉम, इट्स नॉट इमीडिएट रिसर्च, इट्स नॉट कि यार चलो एक साल में बैठे रिसर्च किया, ये 25 साल की रिसर्च है, यू नो, व्हिच इज गॉन एंड व्हिच इज आल्सो कम विद अ लॉट ऑफ फिल्टरिंग एंड स्टफ है. तो बहुत मजा है उसमें. तो डिस्क्लेमर रहता है कि एनी रिजेंबलेंस टू रियल लाइफ कैरेक्टर माइट बी इंसिडेंटल, बट मैं खुद को रोक नहीं पाया क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं हर एक की सिनेमा में मैंने बहुत पढ़ा है, तो कोई ना कोई दिख रहा था मुझे इनमें. अशोक कुमार इनके कैरेक्टर में दिखाई दे रहा था, इनके कैरेक्टर में पृथ्वीराज कपूर दिख रहे थे, इनके कैरेक्टर में मुझे एक और एक्टर थे जो पाकिस्तान चले गए दिख रहे थे. तो कहीं ना कहीं आई एम श्योर रियल लाइफ कहानियों से कितनी प्रेरित है, कितना फैक्ट है और कितना फिक्शन है. नहीं, तो कहानी तो पूरी फिक्शन है, बट लाइक एवरीथिंग देयर इज अ सर्टेन होमाज दैट वन एंड्स अप पेइंग टू द ग्रेट ऑफ इंडियन सिनेमा. तो अगर आप जय खन्ना कैरेक्टर देखें, उसमें थोड़ा देवानंद भी है, उसमें थोड़ा सा राज कपूर भी है, हर मिक्स करके एक है, एक फ्लेवर्स हैं जो जो आप जो हम रह चुके हैं ना उसमें से, यू कांट इग्नोर द एंटायर फैक्ट दैट देयर इज अ सर्टेन सिनेमा वन इज लिव टू. बट यस, इन दैट वर्ल्ड इज अबाउट क्रिएटिंग फिक्शनल कैरेक्टर्स, बट कहीं ना कहीं एक एक जो एक फ्लेवर है, बिकॉज यू ऑलवेज वॉन्ट टू गो बैक टू दैट. मतलब म्यूजिक का भी एक फ्लेवर होता है जो हम भाग नहीं सकते, मतलब उसी में तो हम लोग ने इतने सारे गाने बनाए हैं. जी, तो अपार शक्ति, यू आर किलिंग इट. इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर. सिंस आई हैव सीन द सीरीज, आई वोंट किल द सस्पेंस, बट द हाइलाइट्स ऑफ योर कैरेक्टर इज वन ऑडिशन सीन दैट यू डू विद विश्वजीत सर. दैट्स लाइक, थिंक आई एम श्योर इज लाइक वन beautiful scene. Prasanjit sir. तो आपके जो character का जो पूरा अगर मैं graph जाऊँ तो एक very very complex character, because he's the hero, he's a negative also, and there's a softer side also. So
was it tough layering, opening those layering? I think वो लिखा ही ऐसा हुआ है कि उसके बाद आपको मतलब आई मीन जो लेयरिंग है वो लिखाई में ही लेयरिंग है. अपार्ट फ्रॉम दैट जो हम काफ़ी बारी बात बोल चुके हैं कि जो हमने किया है वो विक्रम सर ने करवाया है. यू नो इट्स रियली ब्यूटिफुल दैट ही इज द मिस्टर रॉय इन रियल. हाँ जी हाँ रॉय बाबू यही थे एक्टर बनाया बन कर रहा है ओवर एक्टर बनने की कोशिश मत कर. सब ऐसे ऐसे होता ऐसे पकड़ इन्होंने जबड़ा पकड़ लिया था मेरा जबड़ा ऐसा पकड़ लिया था सर रिकॉर्ड करूं इससे अच्छा नहीं होगा. मुझे एक रीटेक का सीन है आई एम श्योर व्हाट इट हैपेंस इन रियल लाइफ आल्सो. एक रीटेक के 15 या 18 रीटेक्स लेते हैं एक इन द डैशबोर्ड जिस तरह का शेड्यूलिंग हुई हुई थी वहां पे इतने रीटेक्स का स्कोप ही नहीं था कभी भी. बट हैविंग सेड दैट आई थिंक जो आप बात बोल रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं. वो लेयरिंग बिल्कुल करेक्ट है लेकिन वो लिखाई में ही वो है सब कुछ. एंड रादर इट्स नॉट ओनली अबाउट जुबली. कभी कोई पीछे मुझसे दंगल या स्त्री की भी बात करता है मैं कभी ये नहीं कह पाता कि यार वो लिखाई ऐसा गया हुआ है वो मैंने कर दिया है. अब वो बाय चांस की बात है वो कॉमेडी है और ये ज़्यादा सीरियस पार्ट है. सो लिखाई की आई थिंक लिखाई का कमाल है फिर तो जी. नंदिश आपका जो मतलब कैरेक्टर इट जस्ट हॉन्ट्स यू मतलब व्हेन यू सी द सीरीज तो जमशेद जस्ट यू नो गेट्स ओवर यू मतलब ही इज देयर थोड़ी देर के लिए आता है लेकिन वो पूरी सीरीज तक आपके ऊपर भूत की तरह ना जस्ट गेट्स ऑन टू यू. तो इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल कैरेक्टर. सो बट आपने उसको जिस तरह से आपने उसकी छोटी छोटी बातें पकड़ी हैं सिगरेट पकड़ने का स्टाइल डायलॉग डिलीवरी आई एम श्योर विक्रम सर मस्ट हैव गिवन यू द राइट दिस थिंग एवरीथिंग वाज गिवन टू अस. मतलब यू नो ऐसा नहीं था कि आपको ऐसा ही करना है एक केज में नहीं डाला था बट द ब्रीफ वॉज गिवन सो ब्यूटिफुली एंड देन यू आर गिवन द लिबर्टी टू डू वॉट यू वॉन्ट. सो यू नो वो इतने अच्छे से जैसे अपार ने भी बोला कि इतने अच्छे से लिखा हुआ था और जो लाइन्स थी इतनी खूबसूरती से लिखी हुई थी दैट वी डिडंट यू नो यू इट जस्ट रेजोनेटेड विद यू. यू डिडंट हैव टू डू टू मच. आप अपने थोड़े बहुत न्यूआंसेस उसमें ऐड कर दो एज एन एक्टर अपना फ्लेवर डाल दो थोड़ा सा एंड इट वॉज डन बिकॉज वो इतना उसमें रिसर्च इतना काम इतना टाइम एफर्ट सब जा चुका था दैट इट हैड बिकम सो ब्यूटिफुल. सो एज एन एक्टर आई जस्ट हैड टू पुट माई लिटिल बिट ऑफ फ्लेवर इन इट वॉज रेडी एंड प्लस हिज डायरेक्शन एंड द डायलॉग्स एंड द म्यूजिक एंड एवरीथिंग जस्ट एनहांसेस इट. और अब मैं आपको मिला तो जय खन्ना से जो एंटरटेनमेंट है सीरीज का मतलब जैसे इन्होंने कहा कि देवानंद भी दिख रहा था मुझे रणबीर कपूर भी दिख रहे थे आप मुझे राज कपूर भी दिख रहे थे पृथ्वीराज कपूर भी दिख रहे थे मतलब विक्रम सर ने आपको सारे हीरोज का इन्होंने पूछा तू क्या क्या कर सकता है. पर आपका बेस्ट पार्ट वो था डांसिंग विद जो आपकी एंट्री है जो आप डांस करते हुए आते हो तो वो रिहर्सल थी कि रियलिटी में आप बस You were just playing yourself. Basically, जब वो era पे मैं research कर रहा था, what I also figured was he's from the theatre background. और जब मैं research कर रहा था, कराची और जब India जब partition नहीं हुआ था, तो कराची में जो culture था, वहाँ पे Charlie Chaplin's की film होती थी, चल रही theatres में, और बहुत western culture से inspired था, because Britishers were ruling. तो उस time पे वो dance was a big part, और वो movements उस ज़माने की सो आई थिंक जब मुझे टाइम मिलता था ना मैं बहुत इन्वेस्टेड था इस कैरेक्टर में मुझे क्योंकि मज़ा बहुत आ रहा था ये प्ले करते हुए तो मैं घर पे भी ना बस ऐसी म्यूज़िक लगा के बीच में नाच देता था या कुछ कर देता था. सो वो सब चीज़ें ऐसे आई थिंक अपने आप आ गई थी बस अंदर और बॉडी मूवमेंट आई थिंक एक साल मैं वही जोन में नाचा हूँ मैंने भांगड़ा नहीं मारा कहीं पे या फिर ये वाले मूवमेंट्स नहीं किए लिटरली जो आ रहा है अंदर से. सो आई जस्ट केप्ट एक्सपेरिमेंटिंग एंड इट जस्ट वर्क्ड फॉर दैट लिटिल चंक दैट वी आर शूटिंग जो जिसकी आप बात करें वो एंट्री वाली सीक्वेंस जी 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 बॉडी लैंग्वेज बेसिकली जब आप काम करते हैं कैरेक्टर पकड़ा था सुर कैरेक्टर का. हां जी थैंक यू. लेकिन आपका वो तशली द पार्टीशन सीन्स जब थे द होल चेंज ओवर ऑफ द कैरेक्टर एंड द वे सो आई मीन हाउ वाज द होल यू हैड अपने कैरेक्टर को डिवाइड कैसे किया था आपने मतलब आई थिंक जब आप वही आई थिंक बहुत खूबसूरती है इस काम की जितनी खुशी देता है उतना दर्द भी देता है. सो पार्टीशन के दौरान जब हम शूट कर रहे थे आई रिमेंबर हम लखनऊ में सेट लगा था इट्स फाइन इफ आई लखनऊ में सेट लगा हुआ था रेफ्यूजी कैंप का एंड आई रिमेंबर एंटरिंग दैट कैंप और वो बहुत ऑथेंटिक था सब कुछ जो क्रिएट किया हुआ था
एंड द मोमेंट आई एंटर्ड व्हाट हैपेंड वो ना ऐसे एक जगह आपको कंज्यूम कर लेती है ना अपने अंदर तो वैसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ सो दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड कि समझना आसान है बोलना आसान है बात करना आसान है पर जब एक इंसान ने पूरी उम्र अपनी कहीं पर जी है और वो एक जगह एकदम से वो जगह ही नहीं है आपके पास और आप लावारिस सड़क पे खड़े हो बस कहीं ले जाओ जहाँ पर जिंदा रहें इट्स अ बिग थिंग और कैसे उस टाइम पे रेफ्यूजियों की तरह कराची से लोग बॉम्बे आए थे और वहाँ पर उन्होंने अपनी एक दुनिया बसाई थी जहाँ खाने को नहीं था और पीने को नहीं था सो इट्स ऑल ईजियर सेड देन एक्सपीरियंस्ड सो आई रियली वॉन्टेड टू फील दैट टू बी एबल टू जस्ट समहाउ डू come close to feeling what the character and his family is feeling and the space that he created gave me that production the mukund jain jo space create kiya na jo refugee camp ke bare mein aap baat kar rahe ho to it became so easy wahan pe yaar ek baar bas set pe hi aa jao to right left jahan dekho bas camera laga ke aap shoot kar sakte ho to ek baar wo mahol ban jata hai na pure crew ke liye ke bas it's all you are living the moment you are in that moment you are in that the creator space. of the show also that credit goes to the production design but so you actually was feeling 100% I felt that way I felt that way when you walk onto a set and you see the work that's been done by the production design and it's very emotional when you sort of like walk in there yeah. I'm sindhi ek hai wahan pe sindhi refugee camp uske samne mera photo ki main to sindhi hu to photo leke mere apne pitaji ko bhej di thi to he got shocked he said ye kahan hai bhai ye set pe hai because it looks so authentic he's wondering ki you know did we actually go somewhere so that was very magical when that happens na hota to bahut maza aata ji ji and tell us something about your actors how naughty how who was the naughtiest especially the boys three boys are here sir you're sincerely huh sir you're very sincere the naughtiest between these three yeah. ye to bahut acche ladke hain yaar naughtiest man is sitting in the other room giving an interview No, all my actors, why not? Yeah, Aithi ki baat kar rahe hain. All my actors, whoever they are, whether it's these three, whether it's Aditi or Vanika or Prasanjit or Ram, they've all been fantastic. वैसे आपके एक और राम थे, original राम हमारे TV serial वाले. अरुण गोविंद जी भी हैं, हाँ. नहीं नहीं कमाल के हैं मेरे सब actors and this credit I have to give to Anmol and the team at casting bay, मतलब fantastic. Because never I was telling Apar ko ab main keh raha tha isse yaar chuna kaise hai chuna kyunki maine audition dekh li thi aur jo the thought ke Apar Shakti ko ab Vinod ke role mein dekh sakte ho ye I would never have thought of this is Anmol's thinking ke yaar usko ek try karte hain aur try was like a great try it's a fantastic audition ye audition dekh ke bhai ye kamal ka ladka hai I didn't know Siddhant before you know before yeah. Before I'd seen the audition and they've all been magnificent they've all amazing matlab kyunki and I think that's the credit goes to you know to them to look at the material and saying yaar theek hai yaar isme maza aayega karne mein ek challenge banta hai ek ambition hai which I think people can read that comes from the writing it comes from you know. but Anmol bhai casting mein ki baat hui hai to ye baat definitely sure hai ki wahan pe jaake na jo puri ki puri team hai wahan ek mausam hai audition karne ka aur wo kis tarike se scene shoot karna hai pura ka pura It doesn't get mechanical at all ever there. मैं इतने सालों से उनको जानता हूँ और अभिषेक अनमोल अब तो दोस्त हैं सो वहाँ पे एक माहौल है यू नो एक क्रिएटिव बीट है उस जगह की वो अपने ऑडिशन रूम में क्रिएट करते हैं क्रिएट जितना कर सकते इतना क्रिएट करते हैं कि वो खुद एक्टर बन गए दोनों एक्टर बन गए देखिए जितने भी हमारे देश हमारे मुंबई शहर में जितने लोग हैं बट जितने भी हमारे देश में मोस्ट ऑफ द यू नो राइटर्स हैं या कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं या इवन डायरेक्टर्स हैं फॉर दैट मैटर मेजॉरिटी ऑफ देम एक्टर बनने आए थे शहर में सो इट्स आई मीन वो ऐसा हुआ बाय चांस कि सर्कमस्टेंशियली सिचुएशनली वो कुछ और बन गए सो इसमें कोई हार्म नहीं है आई थिंक ये आप तीनों के लिए एक वो था क्योंकि ये जो क्योंकि हम लोग 1940s का ज़माना था उस पर हीरो का स्टाइल बात करने का अलग होता था रिएक्शंस अलग होते थे तो आई एम श्योर आप लोगों को बस अंडर प्ले करना पड़ा होगा कि आप ऐसे डायलॉग आजकल की तरह नहीं बोल सकते डायलॉग्स को अलग ढंग से बोलना है कैमरे को अलग ढंग से देखना है तो वो थोड़ा सा आप लोगों ने कैसे किया मतलब खुद को एक तरह से अंडर प्ले कर रहे थे आप लोग आई थिंक ऑल द वर्कशॉप्स दैट वी डिड Okay. The workshops that we did with and Atul sir, Atul sir, Jogi ji, with yes. Vikas Kumar ji for dialect. I think all the workshops put yes. together that really helped. You know, every little detail was
pointed out, if you would do something good, that was told to you that, okay, you've done good work. If you were not catching the right beat, it was given to us that iska ye beat hai, dialogue ko aise bolna hai. So a lot of work went into it. I think that really helped. Absolutely. And when Vikas sir ki baat ki hai, see, main Chandigarh ka ladka hoon, toh lazmi hai ki mere Hindi mein thoda Punjabi touch aayega. So I think Vikas sir really helped me to keep that Punjabi aside, and wo Hindi ki jo diction thi, unhone bahut correct karwai wo. And but aapka sawal jo saath mein hai ki us zamane mein kisi aur tarike se, you know, dialogue delivery hoti thi, aur yahan par thoda ab is zamane mein jab current era mein thoda different hai. I think purity सेम रहेगी हमेशा. आई थिंक दैट्स द की. हमेशा शायद वो और वो पकड़ने के लिए आई थिंक वर्कशॉप्स रियली हेल्प्ड. जी, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस ऑफ प्लेइंग जय? एंड बिकॉज आपका कैरेक्टर इज लाइक, मैंने कहा ना, वो मतलब वो सबसे एंटरटेनिंग है, सबसे कलरफुल है. तो बहुत सारे गैमट ऑफ इमोशंस थे इन लोगों का. तो फिर भी देव बिकॉज देव ऑलरेडी यू एक्चुअली हैड अ मोर कर्व्ड. इट वाज द मोस्ट fascinating, the most beautiful experience of my life, really. I mean it. But like you said, there are colors, and there's also a gray, and there's also black and white. So there's like everything in this character. So I got to experience everything I could. But more or less, what jo maza tha na, Jack Khanna was like, it's like he's a child, you know, playing in a playground. So he's just that child. He never lets go of the child, which is the most beautiful thing about this character. Hum kaise aap aas paas dekhte hain to hum koi apne andar ka jo har kisi ke andar ek bachcha hota hai na jo hum kisi koi daba ke rakhta hai ya koi kisi ka bahut rarely consistently bahar hota hai kisi ka. Bahut rarely log comfortable hote hain with that child just being outside and playing. So he is that character. So I could find a lot of life in myself through this character. So I'm indebted first to this character, then to everything else, to be honest. जी, कम्बा आगे और कितना कहानी आगे भी जाएगी? I mean, what have you thought about the larger curve? 1940s, 50s, 60s. Picture बाकी है. Oh, yes. I wanted to end the interview with that picture. अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि विक्रम का ये नया प्रयास जुबली soon on Amazon Prime. I have loved the series and I am sure you guys will love it. And as they say, picture अभी बाकी है मेरे दोस्त, तो stay tuned.